हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी ट्रांसफर होता है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसको इस तरीके से आप समझिए कि ये आपका सिस्टम है और ये आपका सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन होता है, या कहिए कि सिस्टम पर कुछ हम करते हैं तो सिस्टम का स्टेट चेंज होता है और सिस्टम एक स्टेट से चलकर दूसरे स्टेट पर जाता है। सिस्टम एक स्टेट से चलकर दूसरे स्टेट पर जाता है, इसका मतलब होता है कि सिस्टम का जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी एक्सेट्रा, इनमें से कम एक कोई पैरामीटर आपको चेंज कर जाएगा तो हम कहते हैं कि सिस्टम ने अपना स्टेट चेंज किया है। तो सिस्टम का जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूवमेंट होता है तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कुछ इंट्रैक्शन होते हैं। इस इंट्रैक्शन में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो इसी चीज को हम यहां दिखा सकते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी ट्रांसफर होते हैं। ये कब होता है? When system goes from one state to the other, the energy transfer occurs between the system and the surrounding. ये जो energy transfer होता है, वो system और surrounding के boundary पर होता है। Energy transfer क्या होता है? System and surrounding के boundary पर ये सब होता है। अब देखिए, energy transfer यहाँ पर आपको जो पढ़ना है, एनर्जी ट्रांसफर यहां पर दो तरीके से हो सकता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी ट्रांसफर, या तो आपको हीट फॉर्म होगा या तो आपको वर्क फॉर्म होगा। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एनर्जी ट्रांसफर या तो आपको हीट फॉर्म होगा या तो आपको वर्क के फॉर्म में होगा। ध्यान दें, सिस्टम जब स्टेट चेंज कर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एनर्जी एक्सचेंज होते हैं। ये एनर्जी एक्सचेंज जो होता है, ये इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क होता है, और बोथ, ठीक है, या तो हीट के फॉर्म होगा या तो वर्क के फॉर्म होगा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ के फॉर्म होगा, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों को हमें यहां पर सीखना है। तो ये जो वर्क होता है और हीट होता है वो आपको सिस्टम और सराउंडिंग के बाउंड्री पर आपको एक्सपीरियंस किया जाए। कहां एक्सपीरियंस किया जाएगा? बाउंड्री पर आपको एक्सपीरियंस किया जाए। तो हीट एंड वर्क जो आपका होता है वो एनर्जी ट्रांसफर का फॉर्म है। हीट एंड वर्क एनर्जी ट्रांसफर का फॉर्म है। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में जब एनर्जी ट्रांसफर होता है तो या तो हीट के फॉर्म होगा या तो वर्क के फॉर्म होगा या दोनों का कंबाइंड फॉर्म होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीट एंड वर्क आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ध्यान दें, एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स, इसका एक मतलब ये भी होता है कि हम लोग अगर कोई पूछ दे कि ये मेरा सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पूछ दे कि ये कोई सिस्टम, ठीक है, इस सिस्टम के पास हीट कितना है। आज तक आप यही पढ़ते रहे हैं कि सिस्टम के पास हीट होता है, ये आयरन पीस है, इसके पास कुछ हीट है। मैं आपको बता दूं, ये हीट सही बात है, हीट होगा, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स की कॉन्सेप्ट से हीट इसके पास कितना है उसको नहीं कहा जाता है। थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट में जब ये सिस्टम वन स्टेट से चेंज करके अदर स्टेट में जाएगा, मतलब इस सिस्टम के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या कुछ चेंज होना चाहिए, तो सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में कुछ एनर्जी ट्रांसफर होते हैं उसको हीट कहते हैं, ना कि इसके पास कितना है उसको हीट कहते हैं।
अगर आपको अभी भी दिक्कत है तो मैं आपको फिर से एक रियल लाइफ की एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। मान लो मेरे पास ये धोखड़ी है, इसमें कुछ छेद है, मुझे मालूम है, मैं इसमें कुछ 20-25 क्वाइन रख दिया, इसमें रख दिया। अब मैं जान रहा हूं कि मेरे पास 25 क्वाइंस पॉकेट में है, मैं थोड़े दूर तक जाता हूं, मैं जब स्टेट चेंज करता हूं तो मेरे धोखड़ी से 5 क्वाइंस बाहर आ गए, समझे? तो पूछा जाएगा कि यहां पर हीट कितना है, पूछा जाएगा कि मैं जब यहां से वहां गया तो मेरे पास, मैं यहां से वहां गया तो एक ये प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस में हीट कितना होगा, मान लो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, इसमें हीट कितना होगा, 25 जो पहले से मेरे पॉकेट में रखे हुए थे वो, कि 5 क्वाइंस जो बाहर गिरे वो। तो मैं आपको बता दूं, यहां से वहां जाने में जो चेंज हुआ वो क्या हुआ, 5 क्वाइंस मेरे धोखड़ी से बाहर निकलकर बाहर आ गए, यही 5 आपको हीट एसोसिएटेड होगा विद द प्रोसेस, ना कि 25 यूनिट जो मेरे पॉकेट में धोखड़ी में पहले से रखा हुआ। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं, इसके पास कितना है अभी, इसको इस चैप्टर में हम लोग हीट नहीं कहेंगे, बल्कि ये वन स्टेट से अनदर स्टेट जाएगा तो उसमें कितना चेंजेज होंगे उसको हम लोग हीट कहेंगे, ठीक है? चलिए, हीट एंड वर्क आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड दिस ऑर्डिनेट्स वेयर अ सिस्टम चेंजेज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। हीट फ्लो एंड वर्क फ्लो अपीयर एट द बाउंड्री बिटवीन द सिस्टम्स एंड दिस ऑर्डिनेट्स। अब आपको सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हीट फ्लो अपीयर होगा बाउंड्री पर, ठीक है? वर्क आपको अपीयर होगा, तो हीट एंड वर्क जो है वो दोनों बाउंड्री के थ्रू सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर का तरीका है, ठीक है? बोथ हीट एंड वर्क depends on the path between the initial and final state of the system and hence both are path functions and not the state functions। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब system एक state से दूसरे state में जाता है तो इस प्रोसेस में कुछ वर्क एसोसिएटेड होगा, कुछ हीट एसोसिएटेड होगा, ठीक है? तो सिस्टम किसी स्टेट में है तो वहां पर अगर आप कहते हैं कि हीट कितना है तो इस चैप्टर में इरिलेवेंट हो जाएगा। कोई सिस्टम है P1, V1, T1 पर आप कहेगा वर्क कितना है, इरिलेवेंट हो जाएगा। हीट एंड वर्क रिलेवेंसी कब होगा, जब ये सिस्टम एक स्टेट से चेंज करके दूसरे स्टेट में जाता है, तब यहां पर एक टर्म आएगा, तो फिर यहां से यहां जाने में कितना वर्क हुआ, कितना हीट हुआ। तो हीट एक्चुअली में यहां पर हीट ट्रांसफर को कहा जाता है, ठीक है? मैं अब आगे बढ़ता हूं। बोथ क्यू एंड डब्ल्यू आर मैनिफेस्टेड बाई द इफेक्ट्स इन द सराउंडिंग्स, ये दोनों को दोनों सराउंडिंग्स पर आपको अपीयर होंगे, कहिए सिस्टम एंड सराउंडिंग के बाउंड्री पर आपको अपीयर होते हैं। कहां अपीयर होते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बाउंड्री पर आपको अपीयर होते हैं, ठीक है? अब हमें सीखना है साइन कन्वेंशन। हीट एंड वर्क, गिवन बाय IUPAC कन्वेंशन।
फिजिक्स से थोड़ा सा यार साइन कन्वेंशन डिफरेंट, लेकिन आईपैक ने रिकमेंड किया है तो उसे हमें सीखना होगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैंने देखा है बच्चों को कि साइन को सही से नहीं ले पाने की वजह से उनको कैलकुलेशन में गलती हो जाते रहता है, और इसी कारण से रियल एग्जाम्स में भी ऐसे बहुत क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें वर्क डन अगर आपको 10 जूल आया है तो चॉइसेस में 10 जूल भी लिखा होता है प्लस में और माइनस 10 जूल भी लिखा होता है, शायद कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए तो गलत आंसर दे दो। इसलिए इसको हम बहुत बढ़िया से सीखेंगे, ठीक है। कैसे सीखेंगे इसको, तो मान लो पहले हम हीट के बारे में सीखते हैं। हीट, तो हीट के बारे में सीखेंगे तो ये मेरा क्या है सिस्टम और ये मेरा क्या है सराउंडिंग। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग को अगर हम देखें हीट, ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर सिस्टम में देखिए आईपैक ये कहता है कि एनर्जी अगर आप सिस्टम को दिए तो उसको पॉजिटिव लीजिए। आईपैक कहता है कि एनर्जी आपने अगर सिस्टम को दिया तो सिस्टम का एनर्जी बढ़ा तो उसको पॉजिटिव आप ले लीजिए। तो इसको आप इस तरीके से सोच सकते हैं, अगर ऐसा रहे हीट इज गिवन टू द सिस्टम और एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम तो इसको हम पॉजिटिव लिख लिया जाए। हीट इज गिवन टू द सिस्टम और एब्जॉर्ब बाई दिस सिस्टम हीट इज गिवन टू द सिस्टम और एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम तो इस समय इसको हम लोग क्या ले लेंगे पॉजिटिव ले लेंगे। इस समय इसको हम लोग क्या ले लेंगे पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। और अगर हमें ये लिखा हुआ रहे मान लो सिस्टम ने सराउंडिंग को हीट दिया, ठीक है, इस केस में हम लोग लिखेंगे हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम। हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, ठीक है। तो इस समय इसका साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्यों, चूंकि इसको देने को इंक्रीज कराने को पॉजिटिव कर लेने के लिए कहा गया। जब सिस्टम अपना हीट सराउंडिंग को देगा, क्यू अमाउंट ऑफ हीट अगर सिस्टम ने सराउंडिंग को दिया तो सिस्टम का एनर्जी तो घट जाएगा, सिस्टम का एनर्जी क्या हो जाएगा घट जाएगा, और इसीलिए इसको क्या लिया गया है नेगेटिव। अब आते हैं वर्क, ये आपका सिस्टम है और ये आपका सराउंडिंग, ठीक है। तो यहां पर ऐसा हो सकता है कि जब आप उस वर्क क्या है, वर्क भी आपका एनर्जी ट्रांसफर का मोड है, तो अगर आपको सराउंडिंग में सिस्टम को एनर्जी ट्रांसफर किया इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, अगर सराउंडिंग ने सिस्टम को एनर्जी ट्रांसफर किया इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन तो ऐसे केस में सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज करेगा, और इसीलिए इस केस में हम लोग लिखेंगे वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग्स
whole system. Work is done by the surrounding on the system. So W amount of energy surrounding ने system पर transfer कर दिया, तो system का energy increase कर जाएगा. अब इसीलिए इसको क्या लेना होगा, हमें positive लेना होगा. क्या लेना होगा? Positive लेना होगा. अब इसको physics के language में थोड़ा अगर सीखें कि surrounding system पर work कब करेगा, जब उसको squeeze करेगा, जब उसको compress करेगा, यानी इसमें compression होगा. तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा. केस ऑफ कंप्रेशन, इट्स अ केस ऑफ कंप्रेशन. जब कंप्रेशन होगा तब आपको W का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. अब ऐसा अगर सिस्टम आपको एक्सपैंड करना चाहिए, सिस्टम आपको फैलना चाहेगा, तो सिस्टम फैलने के लिए सराउंडिंग पर उसको, सराउंडिंग को उसको धकेलना होगा. ऐसे केस में जब एनर्जी ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, ये कहा जाता है वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. वर्क इज डन by the system on the surroundings. और वैसे केस में जब सिस्टम इस बाउंड्री को एक्सपेंड करने के लिए सराउंडिंग पर वर्क करेगा तो इसका एनर्जी खर्च होगा, इसका एनर्जी घटेगा, और इसीलिए इसको नेगेटिव लिया. और ऐसे केस में एक्सपेंशन होगा, केस ऑफ एक्सपेंशन. क्या हो जाएगा? केस ऑफ एक्सपेंशन. तो ब्रीफ में आप केवल ये ध्यान रखें कि कोई भी प्रोसेस जिसके जरिए सिस्टम के पास हीट जाता हो या वर्क जाता हो या एनर्जी जाता हो, तो ऐसे केस में उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे. और अगर सिस्टम का एनर्जी घटता तो ऐसे केस में हम इसको क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे. ये साइन कन्वेंशन फिजिक्स के हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से थोड़ा सा आपको डिफर कर जाता है. ठीक है, अब हम लोग को सीखना है वर्क डन कैलकुलेशन. मान लेते हैं हमारे पास एक रेफरेंस और एक लीनियर पिस्टन सिस्टम. ये सरफेस आपका स्मूथ है और यहां कोई आइडियल गैस रखा हुआ है या कुछ भी रखा हुआ है, हम लोग ऐसे ही कुछ रख रहे हैं. मान लेते हैं इसका डिस्टेंस यहां से इसका यहां से डिस्टेंस क्या है, x, और इस पर एक फोर्स लग रहा है F एक्सटर्नल. इस F एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मान लेते हैं इस डिस्क में इनफाइनेटिसिमली स्मॉल डी एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है. ठीक है, इसका मान लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है. ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस सिलेंडर. ठीक है, और इसके एंड का डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक मान लीजिए कुछ एल है. तो
यहां से आपको एक चीज आ जाएगा, वर्ब डन, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स डिस्प्लेसमेंट, एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फिजिक्स में हम लोग को ज्यादातर केसेस में फोर्स डिस्प्लेसमेंट ये सब दिया जाता है, केमिस्ट्री में हमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट कब दिया जाता है, प्रेशर, वॉल्यूम चेंजेस, ये सब हमें ज्यादा दिया जाता है। तो इनको हमें प्रेशर और वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होगा। देखिए कैसे करें, इसको कुछ आप मान लीजिए, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैं गैस लेकर चला हूं लेकिन सबके लिए आपको चलो रहेगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो ये एल है, मैं से एक्स माइनस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, एल माइनस एक्स हो जाएगा, एल माइनस एक्स आपको वॉल्यूम ऑफ द गैस, एल माइनस एक्स आपको क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द गैस आपको हो गया। इसको आप लिख दीजिए वी, देयरफॉर डी वी डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी वी इज इक्वल टू डी ऑफ ए इंटू एल माइनस एक्स, ए कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दीजिए, ये डिफरेंशिएशन हो जाए डी ऑफ एल माइनस एक्स, यहां से आपको आ जाएगा डी वी इज इक्वल टू एल का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा एक्स का क्यूब माइनस ए इंटू डी एक्स। इसको आप यहां पर रख दीजिए, पुट इन इक्वेशन वन, डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स, dx का वैल्यू यहां से आ जाएगा माइनस dv बाई a। इसको जब हम सॉल्व करें आ जाएगा माइनस f एक्सटर्नल बाई a इंटू dv इज इक्वल टू dw, एफ एक्सटर्नल बाई एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, प्रेशर, दिस इज योर पी एक्सटर्नल इंटू डी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। और इसीलिए जब वर्क डन निकालने जाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू करेंगे, ठीक है, और आ जाएगा पी एक्सटर्नल इंटू डी, यही आपका वर्क डन का एक्सप्रेशन होगा। और ध्यान दें ये सभी प्रोसेसेस के लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल ऑल प्रोसेसेस। और ये सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी तरह का केस रहेगा सभी पर एप्लीकेबल होगा। Applicable for all solid, liquid or gaseous system. ये reversible और irreversible दोनों में आप यहां से पढ़ सकते हैं। Applicable for both reversible and irreversible processes, applicable for both reversible and irreversible processes, ठीक है। अगर आपको if p external is equal to 0,
ये कब होगा? When the external P external is equal to zero, कब होगा? जब गैस एक्सपैंड करे लेकिन उसको किसी भी तरह का रेजिस्टेंस ऑफर ना हो, तो P external is equal to zero when the gas expand against vacuum. जैसे ये आपका लार्ज कंटेनर और इसमें आपको वैक्यूम कर दिया गया. अब यहां पर से गैस को एंट्री दे रही. जब ये देखे ये लार्ज कंटेनर है यानी कि वॉल्स एक दूसरे से काफी दूर गए हैं. वैक्यूम है यानी कि इसमें कोई भी चीज मौजूद नहीं. गैस जब इसमें एक्सपैंड करेगा तो गैस जब फैलेगा तो उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा. गैस जब फैलेगा तो उसको जब कोई रोकने वाला नहीं होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा उस केस में? जीरो. वर्क डन कब होता है? जब आप किसी चीज को किसी चीज पर काम करते हो तो आपको कुछ रेजिस्टेंस मिलता है. यहां पर कोई भी रेजिस्टेंस आपको नहीं मिला है इसलिए कोई भी वर्क डन नहीं होगा. मैथमेटिकली जब P एक्सटर्नल जैसे गैस यहां पर फैल रहा है लेकिन कोई उसको रेजिस्ट कर रहा है क्या? नहीं. तो P एक्सटर्नल क्या है इस केस में? जीरो. तो P एक्सटर्नल तो जीरो पुट कर देंगे तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो. इफ P एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो व्हेन द गैस एक्सपैंड अगेंस्ट वैक्यूम इन दैट केस वर्क इज इक्वल टू जीरो इंटू डीवी इज इक्वल टू जीरो. क्या हो जाएगा? जीरो. ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम हो और इसको फ्री एक्सपेंशन भी कहा जाता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन. गैस दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन ऑफ द गैस. ये हुआ तब जब P एक्सटर्नल आपको इज इक्वल टू जीरो. लेकिन क्या हमेशा वैक्यूम के अगेंस्ट ही एक्सपेंशन या कंप्रेशन होता रहेगा? क्या नहीं? हमें वैक्यूम के अगेंस्ट हमेशा केस नहीं रहेगा. तो हम लोग एक केस और लेते हैं. इफ P एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू जीरो तो P एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू जीरो जब लेंगे तो यहां पर नॉट इक्वल टू जीरो वैल्यू होगा तो कुछ ना कुछ उसका वैल्यू आएगा. इसको केस लेते हैं. केस वन यहां से स्टार्ट करते हैं. केस वन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन. रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ठीक है. रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? P external is equal to P internal plus minus dP. Reversible है
त्रिभर्सबल के केस में हमने पढ़ा है कि डीपी आपको इनफाइनेट स्मॉलिंग स्मॉल होता है और इसीलिए ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां से आप लिख सकते हो P external equal to P internal. P external equal to P internal. और P internal गैस का अगर लेते हैं तो P गैस हो जाएगा, ठीक है। वर्क डन क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। यह किस कंडीशन से आपको आ गया, रिवर्सिबल कंडीशन से आ गया। आइसोथर्मल कंडीशन से आपको क्या आएगा, कि टी बराबर कॉन्स्टेंट। इन दोनों को आप यूज कर लीजिए इस इक्वेशन में। देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डीबी। जो प्रोसेस का नाम लिखा हुआ है उसी कंडीशन पे हम लगा दें, तो P एक्सटर्नल रिवर्सिबल कंडीशन से किसके बराबर हो गया, P गैस के बराबर हो गया, ठीक है, इनटू dV। अब इंटीग्रेट करने के लिए हमें P और V वॉल्यूम का रिलेशन पता होना चाहिए। तो आइडियल गैस के लिए हम लोग पढ़े हैं PV is equal to nRT होता है। तो यहां से P आपका क्या हो जाएगा, nRT upon V हो जाएगा। कब, जब आइडियल गैस रहेगा तो। अगर लिक्विड रहा, सॉलिड रहा, तो उसको यूज करने के लिए वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन क्वेश्चन में दिया जाएगा। इसलिए आप घबराने मत लगे तुम, ठीक है। इसका वैल्यू आप पुट कर दीजिए, P गैस nRT nRT upon V into dV। L गैस के लिए फिक्स है, R कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको यहां पर कांस्टेंट आ चुका है, तो ये सब कांस्टेंट है, बाहर निकल लीजिए। माइनस nRT dV by E, इंटीग्रेट कर दीजिए। इनिशियल वॉल्यूम V1 से लेके फाइनल वॉल्यूम भी एफ तक लिख दीजिए, माइनस एन आर टी एल एन वी एफ माइनस एल एन वी आई। लिख सकते हैं इसको माइनस एन आर टी एल एन वी एफ आई ई एन। यही आपको वर्क डन हो जाएगा गिवन प्रोसेस का। डब्ल्यू इज इक्वल टू वॉट, माइनस एन आर टी एल एन भी फाइनल बाई भी इनिशियल, ठीक है। ये आपको कैलकुलेशन से आएगा, ठीक है। अब हम लोग को वर्क डन क्या है, माइनस एन आर टी एल एन भी एफ बाई भी एफ, ठीक है। अगर आपको एक्सपेंशन का केस रहा तो जाहिर से बात है फाइनल वॉल्यूम आपका बड़ा होगा इनिशियल वॉल्यूम से। इसका मतलब है भी फाइनल बाय भी इनिशियल ग्रेटर देन वन होगा, और इसीलिए डब्ल्यू में इसका वैल्यू जब ग्रेटर देन वन पुट करिएगा तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव आ जाएगा। एल एन वन से बड़ा कोई भी चीज रखिए, ln 1 से बड़ा कोई भी चीज इसमें रख दीजिए, आपका वैल्यू आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। तो इसका वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन एक माइनस साइन लगा हुआ, तो W क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। W क्या हो जाएगा आपको, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाई दी सिस्टम। और इसको अगर आप ग्राफिकली दिखाने जाए तो आपको कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। P है
दिल ही है, ठीक है। इस तरह से आपको प्रोसेस एक्सपेंशन है ना, एक्सपेंशन के केस में वॉल्यूम आपका बढ़ना चाहिए। तो आप जब यहां से यहां जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं, और हम कहां से यहां बढ़े आएंगे, यहां बढ़े हैं हम लोग पी एक्सटर्नल, या अभी गैस लिख दिए थे, इनटू डीवी से आ रहे हैं। तो पी आपका ये और डीवी आपका यहां, ठीक है। तो पी डीवी आपका ये हो जाता है, P is the pressure at any given instant. DV is changing volume. तो ये आपको area under the करना होगा। और ऐसे ऐसे सारे areas को शुरू से लेके आखिरी तक add कर दीजिए, मतलब mathematically integrate कर दीजिए, तो total work done आपको आ जाता है। क्या आ जाता है आपको? Total work done आपको आ जाता है। Total work done आपको यहाँ पे आ, इस कर्व के नीचे का जो एरिया है यही आपको वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। यही आपको क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा। लेकिन ये क्या आया? नेगेटिव आया। तो देखिए, जब दूर जाते रहे, वॉल्यूम बढ़ते रहे, तो ये क्या आ जाएगा आपको? एरिया का मैग्नीट्यूड तो आप निकाल लेंगे, लेकिन साइन क्या उसका होगा? नेगेटिव, ठीक है। साइन क्या होगा आपको? नेगेटिव। अगर यही अगर कंप्रेशन का केस दिया जाए, अगर हमें कंप्रेशन का केस दिया जाए, तो कंप्रेशन में गैस का वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। तो वी एफ टी स्मॉल हो जाए वी आई, यानी कि आपको वी एफ बाई वी आई इज लेस देन वन, और वी एफ बाई वी आई जब लेस देन वन वैल्यू इसके अंदर में रखेंगे तो इस पूरे का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। तो ये निगेटिव और एक निगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। देयरफॉर आप लिख सकते हैं W आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और W पॉजिटिव कब होता है? व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। लिख लीजिए इसको, व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ऐसे केस में जब आप ग्राफ बनाने जाएंगे, तो क्या बनेगा आपका ग्राफ? यहां पी होगा, सॉरी यहां भी होगा, यहां भी होगा, ठीक है, और ये पार्ट आपका डी है, ठीक है। तो यहां से आप यहां चले जाएंगे, कंप्रेशन है तो इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए और फाइनल वॉल्यूम आपको कम होना चाहिए, और डायरेक्शन आपको ऐसे होगा, ठीक है। तो यहां पर भी इसका एरिया अंडर द कर्व जब आप निकालने जाएंगे, तो एरिया अंडर द कर्व जो आपको आएगा वो क्या आएगा? आपको वर्क डन आएगा, लेकिन इसका साइन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इसका साइन कैसा होगा आपको? पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि एक्सपेंशन के केस में क्या होगा और कंप्रेशन के केस में क्या होगा, वर्क डन का ग्राफ कैसे खींचा जाएगा। इस तरीके से आप कुछ जानकारी जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। ये एक्सपेंशन का केस है और ये आपको कंप्रेशन का केस है। इसमें हम लोग जब आइडियल केस ले ही रहे हैं तो थोड़ा सा एक और चीज ऐड कर लें, मोर ओवर For ideal gas at constant temperature, ideal gas at constant temperature, वॉल्स लॉ भी केवल होता है, ठीक है। PI VI is equal to यहां से आप देख सकते हैं, VF by VI is equal to
Vf by Vm is equal to Pi by Vf आपको पता है, और इसीलिए वर्क डन को लिखा जा सकता है माइनस एन आर टी ln Vf by Vi के जगह पर Pi by Vf, ये इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। आपको बता दें ln कहीं पर लिखा हुआ रहे तो log उसको 2.2303 log x का, ये ln क्या होता है log of x to the base 3, और ये क्या होता है 2.303 log of x to the base 10, ये आपका होता है। इस तरीके से आप लोग जस्ट आइडिया लेने के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन होगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें ई रिवर्सिबल का केस ले वर्क डन इन ई रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ध्यान दें यहां दो चीज लिखा हुआ है, एक ई रिवर्सिबल और एक आइसोथर्मल, ठीक है। तो ई रिवर्सिबल कंडीशन को पहले लेते हैं, ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन, प्रोसेस एक ही है, आप गलत ना समझने लगे। पहले ई रिवर्सिबल कंडीशन का मतलब समझते हैं, पी एक्सटर्नल ई इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डेल्टा। मैं आपको बता चुका हूं ये आपको सिग्निफिकेंट वैल्यू रखेगा, और इसीलिए आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, इज नॉट नेग्लेक्टेड, और इसीलिए इसको नेग्लेक्ट भी नहीं किया जाता। तो जब नेग्लेक्ट नहीं करेगा तो P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल प्लस डेल P पूरा रखना होगा, और P इंटरनल का वेरिएशन कैसा है वो हमें पता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग यहां पर कुछ ऐसे करते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू डी। अगर क्वेश्चन में दिया रहा कि P एक्सटर्नल कांस्टेंट है, अगर क्वेश्चन में दिया रहा कि P एक्सटर्नल आपका कांस्टेंट है, जैसे आप तो ऐसे क्वेश्चन में लिखा रहे हैं कि किसी सिस्टम में एक गैस है जो 10 atm के अगेंस्ट में कंप्रेस किया गया, तो 10 atm के अगेंस्ट में कंप्रेस किया गया है तो एक्सटर्नल प्रेशर आपका 10 atm हुआ, और उसी के अगेंस्ट में कंप्रेस किया गया तो यानी एक्सटर्नल प्रेशर 10 atm और फिक्स है कांस्टेंट वैल्यू, वैसे केस में आपको ये होगा। और अगर आपका एक्सटर्नल प्रेशर वेरी किया टाइम के साथ तो वो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो उसको आप यहाँ रखोगे और सॉल्व करोगे। ज्यादातर केसेस में पी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो पी कांस्टेंट होगा तो ये कांस्टेंट होने के कारण ये बाहर आ जाएगा, तो लिखेंगे माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, वी इनिशियल से वी फाइनल, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी, वी इनिशियल से वी फाइनल, माइनस पी एक्सटर्नल वी माइनस वी इनिशियल, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी कि डेल्टा वी। ये किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन के बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन के बराबर हो जाएगा, किसका, तो ई रिवर्सिबल से ये हो जाए, ठीक है। आप ध्यान दें
कि मैंने आइसोथर्मल कंडीशन को अभी मैं यूज नहीं किया हूं कहीं, यानी कि ये आपको किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होगा। तो लिख लिया जाए इस बात को, दी एबव फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। और एक बार और ध्यान दीजिए, क्या मैं इस एक्सप्रेशन में कहीं भी PV is equal to NRT का अभी तक मैं यूज किया हूं? नहीं। यानी कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस सबके लिए एप्लीकेबल है। तो द एबो फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेसेस ऑन लिक्विड, सॉलिड, गैस, किसी भी तरह का सिस्टम दिया जाए। लिक्विड दिया जाए तो भी अप्लाई हो जाएगा, सॉलिड दिया जाए तो भी अप्लाई हो जाएगा, गैस दिया जाए तो भी अप्लाई आपको हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जनरलाइज फॉर्म कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, आप सभी के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पर भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। ठीक है, कहीं पर भी आपको इस तरह का दिक्कत नहीं आएगा कि किसके लिए आप इसको अप्लाई करेंगे, किसके लिए आप इसको अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को क्वेश्चन एक उठता है कि हम दो तरह के प्रोसेसेस सीखें, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। पूछा जाएगा कि वर्क डन किस केस में ज्यादा या किस केस में कम होता है। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन किस केस में आपको ज्यादा होगा, इस चीज को समझने के लिए हमें कुछ बारीकियों को भी जानना होगा। हमें किसको जानना होगा, कुछ बारीकियों को भी जानना होगा। ये जो कंपैरिजन है ये काफी टाइम लेता है समझने के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल।